नीतीश लालू की कास्ट पॉलिटिक्स के बीच बीजेपी ने चलाया है ब्रह्मास्त्र। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार में जाति आधारित गणना करवाई गई है और इस गणना के बाद लगातार बिहार की राजनीति भी तेज हो गई है, जहां एक तरफ जाति आधारित गणना को लेकर ये बातें हो रही हैं कि एक बार फिर से बिहार में जाति आधारित राजनीति भी अब शुरू हो गई है, जहां एक तरफ इस आंकड़े को लेकर विपक्ष यानी कि बीजेपी लगातार सवाल कर रही है सरकार से, कह रही है कि ये आंकड़े गलत है, ये आंकड़े पूरी तरीके से सही नहीं है। वहीं आपको बता दें चले कि जब से जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है, तब से बिहारी नहीं बल्कि केंद्र की सरकार भी कहीं ना कहीं बौखला सी गई है, कहीं ना कहीं डर सी गई है। ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति आधारित गणना की काट निकाल ली है। उन्होंने गैर स्वर्ण जातियों की अधिक आबादी को अपने पक्ष में करने के लिए कह दिया है कि हमारे लिए जातियां महत्वपूर्ण नहीं बल्कि गरीबी मिटाना ज्यादा जरूरी है। देश में अब भी गरीबों की आबादी सर्वाधिक है। कोरोना काल से नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। मुफ्त का राशन पाने वाले की तादाद 80 करोड़ खुद पीएम बता रहे हैं, यानी देश के 138 करोड़ आबादी में 80 करोड़ गरीब हैं। ये सच में जाति सर्वे के नाम पर अपनी अपनी जातियों के हित में मुद्दे उठाकर अब नया नेतृत्व उभारा सकते हैं। न उभरना है तो उभारने की कोशिश जरूर कर सकती है, लेकिन पीएम ने इस कथन में सच्चाई है कि जब तक गरीबी खत्म नहीं होती, ऐसी जातिगत संरक्षण को कोई अहमियत नहीं दी जा सकती। देश में अभी भी सनातन को लेकर राजनीति का एक नया रूप सामने आया है। तमिलनाडु के नेताओं ने जब से सनातन के विरुद्ध बोलना शुरू किया है, तभी से भाजपा इसे भुनाने के प्रयास में लगी है। भाजपा समझ रही है कि बिहार में अगर 80% से अधिक हिंदू हैं तो इन्हें सनातन के नाम पर एकजुट किया जा सकता है। किसी भी जाति उपजाति के हिंदू को विपक्ष पार्टियों से सनातन पर खतरे की बात कर अपने पाले में मारने की कोशिश भाजपा करेगी। जाति सर्वे को राजनीतिक दल जितना तुल दे रहे हैं, उतना आम आदमी नहीं दे रहा है। जहां एक तरफ जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के बाद ये बातें हो रही हैं कि बिहार में एक बार फिर से जाति की राजनीति शुरू होगी, लालू प्रसाद यादव की एमवाई समीकरण की राजनीति शुरू होगी, नीतीश कुमार के लवकुश की राजनीति शुरू होगी। वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो जाति को छोड़ के धर्म की राजनीति एक बार फिर से बिहार में करते हुए नजर आ सकती है, क्योंकि 81% लोग जो हैं वो हिंदू धर्म से आते हैं बिहार में। ऐसे में वो जाति की राजनीति छोड़ के धर्म की राजनीति करेगी, सनातन की राजनीति कर सकती है, जिससे बिहार सरकार को नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि बिहार के लोग जाति की राजनीति का साथ देते हैं या धर्म की राजनीति का, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस खबर में